फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो हमारा स्टार्ट हो चुका है और आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि शाम हो रही है, बट शाम नहीं हो रही है। यहाँ पर दोपहर का ही टाइम है, इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं दोपहर के, और मौसम कुछ बहुत ही खूबसूरत सा हुआ हुआ है। अभी जैसे आपने मेरा देखा भी, आपको मैंने छत से भी दिखाया मौसम, और यहाँ पर जो है मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। मैं आपको अपनी विंडो से भी बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो जी, आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। मेरे साथ रहिएगा, इस व्लॉग में आज जो भी कुछ करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून। ये देखिए गाइस, मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है शाम, बट शाम नहीं हो रही है, दोपहर ही हो रही है, और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। मैं भी विंडो की रूम की विंडो से दिखा रही हूँ आपको बैक। यहाँ पर जो है मैं शाम के खाने की तैयारी करी थी, और शाम के लिए मैं बनाई थी माश की दाल भुनी हुई मसाले वाली, जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बन रही थी। ढाबा स्टाइल में मैं बना रही थी क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह को भून रही थी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करी थी मैंने, जिसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था टमाटर को। ये चीज़ें डालने के बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा इसको हल्का सा थोड़ा सा चला लूँगी, ताकि थोड़ा सा ये ना टमाटर का जो जूस है थोड़ा सा वो हो जाए, सौते सा हो जाए। अदरवाइज़ इसके बाद जो है मैं इसमें टोटल सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जो भी हमारे यहाँ डलते हैं, हल्दी, पिसे मिर्च और धनिया वगैरह, नमक वगैरह, ये मसाले डल जाएंगे। इसके बाद मैं इन मसालों को अच्छे से जो है वो भून लूँगी, ताकि हमारा मसाले में जो कच्चापन है या अजीब सी स्मेल आती है, कच्ची कच्ची सी, वो स्मेल ना आए और हमारा मसाले जो है वो अच्छी तरह भुन जाए। यहाँ पर मैंने टोटल सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, और यहाँ पर जो है मैं टोटल स्पाइसेस डाल चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए जो है भून चुका है, जिसमें मैंने जो माशी दाल बॉइल करके रखी हुई है, 85% तक मैंने बॉइल कर लिया था माशी दाल को, वो इसमें ऐड कर दूँगी अब मैं। ये देखिए मैंने इसमें दाल भी ऐड कर दी है, और कितनी प्यारी लुक लग रही है। बस इसमें दम पर जो है थोड़ा सा गर्म मसाला जाएगा, और छोटी हरी मिर्च आप ऐसे साबुत डाल दूँगा, दाल हमारी रेडी है। बस इसमें थोड़ी देर हल्का सा पानी डाल के 1/4 कप जो है मैं उसको दम पर लगाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरी सासू माँ जो है वो मीठी टिकिया बना रही थी, कुंडे की टिकिया। सीज़न तो निकल चुका था, बट हम सबका बहुत दिल चाह रहा था। ऐसा होता है ना, सीज़न निकल जाता है उसके बाद हमें चीज़ें याद आती हैं। तो यहाँ पर जो ग्लास से जो करते हैं, इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है बेल करने। सबसे पसंदीदा ऑप्शन होता है ये सेक्शन मेरा, कि आड़ी तेरी रोटी बेटी और उसको गोल गोल कर गैस में निकालना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ना मसला वगैरह ग्लास में फंस गया था मेरा, जो ये छोटी सी टिकिया मैंने निकाली थी, तो मैं यहाँ पे अपनी मामा के साथ हेल्प करवा रही थी। अच्छा, मामा से मैं बता दूँ, मामा जो है मेरी सासू माँ है, मैं अपनी सासू माँ को मामा कहती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बन चुकी थी टिकिया, बाकी बन रही थी, और यहाँ पे जब फाइनल हो चुकी थी तो मैं जा रही थी अपने रूम में लेके टिकियों को इन्जॉय करने। और मैंने सोचा था कि मैं रूम में जाके अपना व्लॉग भी एंड करूँगी, और यहाँ पर मैं अपनी टिक्की भी इंजॉय करूँगी। तो जी गाइस, अब मैं कुंडे की टिक्कियों को इंजॉय करते हुए अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइज़ प्लीज़। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी इंशाअल्लाह आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।